नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र। बेरोजगारी पर सरकार लगातार घिरी हुई है। अब इसमें चार चांद लगाने के लिए योगी सरकार का नया प्रस्ताव लेकर सामने आई है। सरकार ने प्रस्ताव पर विचार कर रही है, उसमें सरकारी नौकरी के पहले 5 साल कर्मचारियों पर नियुक्त करने का प्रावधान है। सरकार का कहना है कि पिछले 5 वर्ष नए नियुक्त कर्मचारी संविदा के आधार पर काम करेंगे और हर 6 महीने में उनका असेसमेंट किया जाएगा और इस असेसमेंट में एक परीक्षा भी कराई जा सकती है जिसमें न्यूनतम 60% अंक पाना जरूरी होगा। 60% से कम अंक पाने वाले लोग सेवाओं से बाहर कर दिए जाएंगे। इस समय हर तरफ बेरोजगारी से सब परेशान हैं, तो यह प्रस्ताव कहीं न कहीं युवाओं के जले पर नमक छिड़कने जैसा है। सरकार से कई लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या रोजगार पर ही सारा एक्सपेरिमेंट करना है, उसे ही बेहतर बनाने के लिए नियम निकालते रहेंगे। तो राजनीति के लिए ऐसे नियम क्यों नहीं निकालते कि परीक्षा पास करने के लिए 5 साल संविदा पर रखेंगे और परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ तो बाहर खदेड़ देंगे। कम से कम अनपढ़ जाहिल नेता तो हमें नहीं मिलेंगे। अब इस नियम के बारे में बात करें तो यूपी में ग्रुप बी और ग्रुप सी के सरकारी नौकरियों में यह एक बड़ा बदलाव है। इस नए प्रस्ताव के अनुसार प्रदेश के इस समूह की नई भर्तियां अब संविदा के आधार पर ही होंगी, जिन्हें 5 वर्षों में मूल्यांकन के आधार पर ही नियमित किया जाएगा। सरकार भले ही कर्मचारियों की गुणवत्ता बढ़ाने की बात कह रही है, लेकिन इस प्रस्ताव का विपक्ष और प्रतियोगी विरोध कर रहे हैं। अब विरोध क्यों ना करें, क्योंकि सरकार तो नौकरियां दे नहीं रही, वहीं दूसरी तरफ ऐसे नियम लेकर आ गई है। अब इस पर सरकार का तर्क सुन लीजिए। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था होने से शासन पर वेतन का बोझ कम होगा और कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा गवर्नेंस और मजबूत होगा, जिसका लाभ आम लोगों को होगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर आम लोगों को यह फायदा पहुंचाता है तो लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, लोग सड़कों पर धरना क्यों दे रहे हैं। गुड़िया ठाकुर नाम की एक ट्विटर यूजर लिखती है कि नौकरी नहीं देनी तो सीधे बोल दीजिए, घुमा फिरा कर बातें क्यों करते हैं। पहले 5 साल संविदा, फिर बाहर कर दो, फिर दूसरे को 5 साल संविदा पर रखो, काम चलता रहे, पब्लिक जाए भाड़ में। अभिषेक संत नाम के एक यूजर लिखते हैं, क्यों सर, सारे नियम और कायदे हम लोगों पर ही लागू होनी चाहिए, आप मंत्रियों पर नहीं। रोजगार खत्म कर रहे हो, 5 साल तक हम संविदा पर नौकरी करेंगे, फिर तो आप सभी की भी परीक्षा होनी चाहिए। आप लोग 60% नहीं सिर्फ 30% ले आओ, नहीं तो पद छोड़ के चले जाओ। वहीं पिंकी चौबे नाम की एक यूजर लिखती है कि 4 साल संविदा पर नौकरी करने के बाद यदि वे 5 ही साल निकाल दिया जाता है तो फिर से क्या वो तैयारी करेगा या आत्महत्या, पूछता है बेरोजगार। ये देखा जाए तो कहीं न कहीं सरकार रोजगार के मुद्दे पर विफल होती दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जाते जाते एक बार मैं सरकार से फिर से अपील करना चाहता हूं कि युवाओं की बात सुने और उनकी समस्याओं को दूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।